अभिनव प्रज्ञा महाविद्यालय में निशुल्क नेत्र शिविर का हुआ आयोजन। जी हां, अभिनव प्रज्ञा संस्थान द्वारा संचालित अभिनव प्रज्ञा महाविद्यालय सरीला में निशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि शैलेश्वर इंटर कॉलेज के उप प्रधानाचार्य के साथ महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर रोहित सिंह, बीटीसी प्रभारी रमेश चंद ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। मुख्य अतिथि उप प्रधानाचार्य राम कुमार त्रिपाठी ने अभिनव प्रज्ञा संस्थान के सामाजिक सार्थक प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वास्तव में शिक्षा के साथ साथ सामाजिक सेवा और जरूरतमंद की मदद करना ईश्वर की सच्ची भक्ति है। इंडिया खबर लाइव के लिए हमीरपुर से पंकज कुमार शर्मा की एक रिपोर्ट। प्रज्ञा महाविद्यालय फरीला में निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया था, जिसपे लगभग 1 सेकंड से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें से 11 रोगियों पर मोतियाबिंद की शिकायत पाई गई, जिनको जानकी कुंड ले जाया गया। ये सदगुरु सेवा ट्रस्ट जानकी कुंड के चिकित्सकों के द्वारा आज परीक्षण किया गया और इसमें हमारे मुख्य रूप से अतिथि के रूप में हमारे शैलेश्वर इंटर कॉलेज के प्राचार्य आदरणीय त्रिपाठी जी ने कार्यक्रम का शुभारम्भ फीता काट कर किया। और ये एक सामाजिक सेवा का कार्यक्रम है जो अभिनव प्रज्ञा संस्थान लगातार विगत कई वर्षों से करता चला रहा है और आगे भी प्रत्येक 14 तारीख को नेत्र शिविर का आयोजन किया जाएगा और जानकी कुंड जाने वाले सभी रोगियों को इसके लंच पानी की व्यवस्था करके उनको विदा किया गया और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की गई।